बुलडोजर चलने से क्या हिंदू वोट मिलता है? टॉपिक पे बुलडोजर चलने से दो काम अच्छे होते हैं, एक तो कांग्रेस को और अन्य लोगों को नींद नहीं आती, दूसरा अवैध कब्जाधारियों की दुकानें बंद हो गई। आज अवैध कब्जा किसी ने कर रखा हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का कोई भी हो, अवैध कब्जे दिल्ली से हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए? सिर्फ इतनी सी बात है, वोट मिले ना मिले, परंतु दिल्ली जो देश की राजधानी है उसको नर्क बना के रख दिया इन्होंने। और आज इनको, अरे देश में 70 साल से राज कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? आज आप क्या गलत है? अगर अवैध निर्माण पर चलता है बुलडोजर, आ रही हूँ सर, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है तो आपको भी इसका समर्थन करना चाहिए। क्यों 12 दुकानें चलेंगी, वो भी मस्जिद में? आप इतनी पाक जगह है, वहाँ पे क्यों 12 दुकानें चल रही थी? जरीन कम्युनिकेशन से लेकर बहुत सारी दुकानें थी, क्यों? नहीं देखिए, जहाँ इनलीगल इंक्रोचमेंट है उस पर होना चाहिए अतिक्रमण, मैं मानता हूँ कि वो टूटना चाहिए, वो कोई भी हो, उसमें हिंदू मुसलमान देख कर अवैध मजा रहे हो। सुनिए सुनिए, कह रहे हैं खान साहब, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए ना, पूरी डिबेट इन्हीं से करा ले। सब एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं, अब जाके मैं उनका मुंह नहीं बंद कर सकती, प्लीज आप मुझे एड्रेस करके अपनी बात करें ताकि डिबेट ठीक से चले। मुझे दंजनता, मैं कितनी अच्छी बात कह रहा हूँ कि जहाँ भी नाजायज कब्जे हैं वो हटने चाहिए, लेकिन जहाँ नियत पर कहीं ना कहीं संकोच होता है ना, तो वो नियत के ऊपर होता है। अब देखिए, योगी जी का एक फैसला आया कि साहब लाउड स्पीकर मस्जिद मंदिर सबसे हटना चाहिए, सबने स्वागत किया, सब हटा रहे हैं, लेकिन अगर यही बात मस्जिद पर आए कि साहब मस्जिद से हटाओ, तो कहीं ना कहीं सवाल होगा। तो मेरा मानना यह है कि शाहीन बाग को जो बार बार टारगेट किया जाता है, जो शाहीन बाग पर जो डिबेट की जाती है, शाहीन बाग का नाम लेकर सब कुछ किया जाता है, ये सब कुछ गलत है। अगर नाजायज कब्जा किसी भी जगह है, चाहे वो शाहीन बाग में हो या किसी भी जगह हो, उसका हटना चाहिए, कोई उसको मना नहीं कर रहा है। ये लोग जो टारगेट करते हैं उन जगहों को चिन्हित करते हैं जहां से इनका वोट बैंक सीधा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इनका मकसद सीधा सीधा सिर्फ ये है, अभी जैसे गौरव भाटिया ने रोहिंग्या का नाम ले दिया, हालांकि वो कहां से पकड़ी गई है ड्रग्स, कहां से नहीं पकड़ी, सबको पता है। रोहिंग्या नहीं है, देख रहे हैं रोहिंग्या से तार कैसे जुड़े, पहले खबर इनके पास आ जाती है, कहां लेते कहां नहीं लेते। भाई साहब एक मिनट, भाई साहब एक मिनट, रिश्तेदार दर्द नहीं होना चाहिए, एक सेकंड प्लीज बात पूरी करने दीजिए। सुनिए, देखिए रोहिंग्या मेरा कोई सगा रिश्तेदार तो है नहीं, तो यही तो कह रहा ना, मैंने उनको बुलाया, सरकार किनकी राजधानी में है या नहीं, सरकार किनकी है, आप मानते हैं कि नहीं कि राजधानी में कई जगह पर सारे रोहिंग्या को निकाला जाए? चलिए इतना बोलिए, इतना बोल दीजिए, सारे रोहिंग्या को भारत से निकाला जाए, बोलिए बोलिए, नहीं बोला, देखिए क्यों नहीं बोला मालूम है? जब सच्ची बात आएगी ना तो बोलने नहीं, देश के रोहिंग्या कमजोर है, रोहिंग्या का धागा मजबूत है। सवाल ये है कि वो आए क्यों है, उनको आने किसने दिया है, सरकार की बात है, ये जिम्मेदारी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, रोहिंग्या को क्यों आने दिया इन लोगों ने, इन्होंने तो आने दिया है। अंजना जी मैं कुछ बात, एक एक जवाब, एक बार मुकेश जी बोलने, गौरव जी फौरन आपसे, छोटा सा लेकिन आपको जवाब देना था 20 सेकंड में। मैं कहता हूँ भाषा की मर्यादा रखें, बिल्कुल सब इन्होंने सब मेरे समेत इन्होंने धब्बा शब्द यूज किया राहुल जी के लिए, मैंने मोदी जी के लिए किया, ये शब्दों को वापस ले, मैं भी वापस लूंगा, ये वापस ले लेंगे, मैं भी वापस ले, ठीक है कोई बात नहीं। अब डिबेट पे आगे निकलते हैं, बहुत बहुत पानी बह चुका है, मत रहना पुल के नीचे, और मैं डरता वरता नहीं तुम्हारे एजेंसियों से।